सोनभद्र में अमावर पेयजल योजना में खेल का खुलासा हुआ है। जल जीवन मिशन का खेल का खुलासा होने पर हड़कंप मचा हुआ है। खबर चलने के बाद जल शक्ति मंत्री की नींद टूटी। न्यूज वन इंडिया की खबर देखकर हरकत में आए जल शक्ति मंत्री। कल रात 8 बजे जल जीवन मिशन के अफसरों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जल जीवन मिशन के अधिकारियों की ली थी क्लास। न्यूज वन इंडिया ने सोनभद्र के अमावर पेयजल योजना के खेल का किया था कल पर्दाफाश। और जल जीवन मिशन से लेकर जिले के अफसरों में हड़कंप है। जिले से लेकर लखनऊ तक के अफसर हो गए हैं सक्रिय। सिंचाई विभाग के अफसर भी हरकत में आए हैं। कन्हर डैम से जोड़कर शुरू की गई थी अमावर पेयजल योजना। डैम अभी तक बना नहीं और डैम से पानी सप्लाई के लिए बन गया है प्रोजेक्ट। तो जल जीवन मिशन के अफसरों ने फूंक दिए 180 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के नाम पर अफसरों का यह बड़ा खेल देखने को मिला है। और अधिक अपडेट के साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जल जीवन मिशन के नाम पर अफसरों का इतना बड़ा खेल देखने को मिला और न्यूज वन इंडिया ने जब इस खबर को पूरी प्रमुखता से दिखाया और इस खेल का खुलासा किया और देखिए उसके बाद जल शक्ति मंत्री एक्टिव नजर आए। बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है सोनभद्र का, क्योंकि सोनभद्र की खबर चलाई इसलिए सोनभद्र पर ही बात करेंगे। हालांकि ये पूरे प्रदेश में हो रहा है, सिर्फ सोनभद्र का मामला नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं अलग अलग खेल हैं, अलग अलग खेल जो भी हैं वो हम समय समय पर दिखाते रहेंगे। दरअसल ये मामला जो था, ये एक ऐसे डैम से जोड़कर 60-65 गाँव में वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट बनाया गया, जो डैम अस्तित्व में ही नहीं, 1976 से इस डैम को बनाना शुरू किया सिंचाई विभाग ने और अभी तक वो डैम बना ही नहीं है। अब वो डैम बना नहीं है, उस डैम से जोड़कर इन्होंने करीब 180 करोड़ रुपए का काम 60-65 ग्राम सभाओं को दे दिया। जो LNT एक जानी मानी कंपनी है वो कर रही है, उसकी भी अगर फिजिकल प्रोग्रेस देखें तो 90-95% हो गई है। और सवाल तब उठे जब वहां पर CDO सोनभद्र ने एक पत्र लिखा और पत्र में ये पूछा कि जो डैम बना है, डैम के पास जो इंटेक वेल है उसमें पानी कहाँ से आएगा। आमतौर पर होता ये है कि जब कोई डैम से वाटर सप्लाई दी जाती है तो इंटेक वेल से, डैम से इंटेक वेल में पानी भेजा जाता है, फिर इंटेक वेल से तमाम जगह सप्लाई की जाती है। और डैम से ये पानी तभी आता है जब डैम पूरा भरा हो या एक निश्चित सीमा तक भरा हो जहां से पानी निकल के आए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जो डैम अभी बना ही नहीं था, 44 साल से जो परियोजना अधूरी पड़ी हुई है, उस परियोजना को केंद्र में रख के जल जीवन मिशन के अफसरों ने 180 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना ही नहीं डाला बल्कि पूरा पैसा भी फूंक डाला। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिन गांव ग्राम पंचायतों को पानी पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था उन्हें पानी कैसे मिलेगा। और जब पत्र लिखा गया, CDO ने लेटर लिखा, मामला हम तक पहुंचा, मीडिया तक पहुंचा, और अब स्थिति ये है कि जल जीवन मिशन के जो अफसर हैं लखनऊ से लेकर सोनभद्र तक, उनके बीच में हड़कंप मचा हुआ है। जल शक्ति मंत्री जिन्हें हम अक्सर कहते थे कि जो हमेशा हर दौरों पर जाते हैं, जल जीवन मिशन की समीक्षा भी करते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं दिखती, न जाने वो कौन सा चश्मा लगाए फिरते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कमियां होते हुए भी सिंचाई मंत्री को, जल शक्ति मंत्री को ये कमी नहीं दिखती। लेकिन जब ये खबर चली, खबर चलने के बाद वो लखीमपुर में उपचुनाव में गए थे, वहां पर चुनावी जनसभा थी उनकी, लेकिन वहां से लौटने के बाद अंदाजा लगाइए मामले की गंभीरता को समझिए कि रात 8 बजे उन्होंने जल जीवन मिशन के अफसरों के साथ समीक्षा की, इस मामले में चीत की और बड़ी खूबसूरती से, हालांकि उसमें कुछ जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इशारों सालों में सारी बात हो गई। अब उसका असर ये है कि यहाँ से सोनभद्र तक के अफसर जो हैं वो परेशान हैं कि कैसे इस मामले को मैनेज किया जाए, कैसे इस मामले को दबाया जाए। लेकिन अब आप ये समझिए कि अगर कोई छोटा मोटा मामला होता तो दबाया जा सकता था, लेकिन इतना बड़ा मामला जल जीवन मिशन के अफसर या सिंचाई विभाग के अफसर कैसे दबाएंगे। फिलहाल तमाम व्हाट्सएप पे मैसेजेस जा रहे हैं, फोन अफसरों के घनघना रहे हैं, बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी जिन काबिल अफसरों के कंधे पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा शुरू की गई जो योजना है, उस योजना को पलीता लगाने वाले अफसर इतने बेखौफ हैं कि उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो बड़े आराम से अभी भी बैठे हुए हैं और उन्हें लगता है कि जैसे आज तक इस मामले में कहीं कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया उन लोगों का, इस मामले में भी उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। जी
मनीष, इसके साथ ही साथ देखिए 180 करोड़ का ये पलीता लगाते हुए अधिकारी नजर आए हैं। 44 साल से ये पूरा मामला लंबित चल रहा है और देखिए इस पर किस तरह से पूरा अधिकारियों के द्वारा किस तरह से ये पूरी भ्रष्टाचार फैलाई गई है। जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात होती है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात होती है और ये कोई एक विभाग नहीं है। देखिए शुरुआत से न्यूज वन इंडिया लगातार तमाम विभागों को दिखाता आ रहा है। अब इसमें एक और एड लिस्ट हो गया है कि अब जिस तरह से जल शक्ति विभाग है वहां पर किस तरह से ये खेल चल रहा है और कानो कान किसी को खबर तक नहीं है 44 साल से ये खेल चल रहा है। देखिए 44 साल से तो ये कनहर परियोजना का खेल चल रहा है, जो परियोजना पूरी नहीं हो पाई। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें अभी जो वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो विस्थापित हुए हैं, जो तमाम गांव आए हैं उनको मुआवजा दिया जाना है, वो तमाम मुकदमे लंबित हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी समस्या जल जीवन मिशन की है, जल जीवन मिशन के अफसरों की अनदेखी की है कि जो योजना अभी पूरी नहीं हुई थी उस योजना से जोड़ के उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना कैसे दिया, कैसे बना दिया जल जीवन मिशन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट। अब आप ये समझिए उस पर नजर कैसे पड़ेगी। जल जीवन मिशन की अगर शुरुआत से ही हम बात करें, लेफ्ट लो यार, जल जीवन मिशन की अगर शुरुआत से बात करें तो स्थिति ये है कि जब जल जीवन मिशन योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई तो उस समय क्या स्थिति थी कि जो जल निगम मुख्यालय है वहां पे एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई और बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, उस बिल्डिंग में तमाम अफसर बैठते थे, लेकिन वहां की लगाम जैसे काबिल नहीं, एक बहुत ही काबिल अफसर के हाथ में आई, उन्होंने वहां से उस ऑफिस को हटा दिया कि जल निगम के अफसर हो, चूंकि आसपास जल निगम के तमाम अफसर रहेंगे, कोई काम काज होगा उन्हें पता चलेगा, लिहाजा उन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग 10 लाख रुपए महीने पे किराए पे ले ली। अब आप ये सोचिए कि इतना बड़ा जल निगम का कैंपस है लेकिन वहां पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन 10 लाख रुपया प्रतिमाह किराया दिया जाता है, मंडी परिषद की एक बिल्डिंग ली गई, तो सब कुछ वहां अलग है, वहां अलग ही सरकार है, वहां अलग ही शासनादेश चलते हैं, वहां अलग ही आदेश चलते हैं, वहां के अलग ही नियम है, वहां के अलग ही कानून है, वहां सर्वे सर्वा सिर्फ एक व्यक्ति है जो इन तमाम चीजों का जिम्मेदार है। बीच में चूंकि पहले जल जीवन मिशन की योजना थी उसमें कई आईएएस अफसर थे, अखंड प्रताप सिंह नाम के एक आईएएस अफसर थे, उन्हें उनको ज्वाइंट एमडी बना के रखा गया था, लेकिन जब ये चीजें खुलने लगी, जब थोड़ा सा विरोध होने लगा तो अखंड प्रताप सिंह को निकाल के किनारे कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा खेल है और परत दर परत एक बार में बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जो सोनभद्र की ये परियोजना है, ये परियोजना कहीं ना कहीं एक तरह से भेंट चढ़ गई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और मुझे लगता है कि अगर वास्तव में अगर अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं जागे तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजना जो केंद्र सरकार की है वो फेल हो जाएगी। बिल्कुल मनीष, और देखिए परत दर परत आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, जब अब इस पूरे मामले को लेकर जल शक्ति मंत्री ने संज्ञान दिया, रातों रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की क्लास लगाई, लेकिन इस क्लास से आगे की क्या तस्वीर, क्या फायदा आगे का? देखिए मुझे कोई फायदा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कोई एक हो तो समझ में आता है, यहाँ तो पूरे कुएं में भांग पड़ी है, हर कोई डूबा हुआ है इस भ्रष्टाचार के दलदल में। जब ऐसी कोई बात उठती है, ऐसा कुछ सवाल आता है तो इस तरह की बातें कर ली जाती है, इस तरह की बैठकें कर ली जाती है, इस तरह की मीटिंगें कर ली जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई खास असर पड़ने वाला है। अगर वास्तव में इसमें कुछ काम होना है तो जो जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरे मामले में हस्तक्षेप ना करे, जब तक मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग ना करें, जब तक मुख्यमंत्री खुद लोगों की जिम्मेदारी ना फिक्स करें, और खासकर जब तक एक शख्स जो 3 साल से इस योजना पर कुंडली बना मारे बैठा हुआ है उसे नहीं हटाया गया, तब तक इस तरह की भ्रष्टाचार को रोक पाना बड़ा मुश्किल है।